देखो ओके अब okay, मैं जाती आप होती लोगों की कुछ है। यादें हैं जो इन पिक्चर्स के थ्रू रिमाइंड कराऊंगी आपको, ताकि आप लोग हमें बताएं। जी ये बड़ी मजे मजे की वो होती है। हमें यहाँ देखना होगा खतरनाक औरत। ये कहाँ से ये आप ये मैं तो नहीं हूँ, पता नहीं ये मैं तो आपकी कौन सी याद है खतरनाक औरत, क्या मतलब? ये बैठी अपने कुछ खाला और मामू और उन बच्चों के साथ खेल रही थी। हाँ। और मैंने कहा ना, जैसे हम वी एस पेरेंट्स वर वेरी स्ट्रिक्ट विद, हाँ। मतलब डिसिप्लिन हो बिल्कुल, उल्टी सीधी हरकतें और शोर शराबा। हाँ। तो मेरी बहन की बच्चों के साथ कह रही हूँ, क्योंकि वो बहन जब आने लगी कहती है चुप हो जाओ चुप हो जाओ, वो देखो खतरनाक औरत आ रही है। तो बच्चों को अच्छा नहीं लगा कि हमारी माँ के लिए कहती वो खतरनाक औरत। ये खतरनाक औरत किसको कहा? खाला को। अच्छा, बच्चों के लिए जो सख्ती करने वाला वो खतरनाक होता है। हाँ, हाँ, तो पता है ये, हालांकि मुझसे ज्यादा उन्होंने इसको पाला है, सच्ची बात। मैं तो छोड़ छोड़ के मुल्क से भी बाहर गई हूँ। हाँ, वो भी कहती थी मैं ज्यादा इसका ख्याल रखती हूँ, वो बिल्कुल इनकी गॉड मदर कहना अच्छा। चाहिए एक तरह से बिल्कुल। तो वो ये मजे की बात सुनाती, कितनी छोटी होगी जिस दिन थी? 3-4 साल थी मेरा ख्याल से। वो चुप हो जाओ चुप हो जाओ, दया मोदी की बेटी है तो उर्दू के इतने गाढ़े वो कहती चुप हो जाओ वो खतरनाक औरत आ रही है। अच्छा, ऐसी ऐसी बातें इसी एज में बच्चे करते हैं ना, जब बड़े हो जाते हैं ना फिर तो समझ आता है। अच्छा, और इस एज में जब ये बच्चे करते हैं तो वो एक मेमोरी बन जाती है, ये एक मेमोरी हो गई ना आपके, फिर उनका नाम पड़ गया खतरनाक। हालांकि वो खाला खतरनाक। हम माशाल्लाह से 4 बहनें हैं, हम 3 की आवाज थोड़ी बड़ी भी है, वो बोलती भी कम है और सॉफ्ट स्पोकन कहना चाहिए, और बहुत कम गो एक्सप्रेशन है, कह दिया ना बिल्कुल। बस किसी वक्त में उनको डांटा होगा कुछ गलत बात भी कहती हूँ। ओके, नेक्स्ट बताएं। हाँ, आपकी मेमोरी है ये तुम्हारे बचपन की पिक्चर लग रही है मुझे। नहीं नहीं, इसकी बचपन की नहीं है। होता क्या था कि ये बहुत टॉकटिव थी, बहुत शरारती थी। अच्छा। और जब सब तंग आ जाते थे ना कि हरीम को कैसे चुप करके बिठाया जाए, तो हरीम से हम कहते थे कि चलें भाई हरीम को दुल्हन बनाओ। और एक दुपट्टा लाते थे काम वाला, या कोई भी लाल रंग का या शोक कलर का, हरीम को कहते थे हरीम चलो बेटा आप दुल्हन बन रही हैं। हरीम पे दुपट्टा देते थे, हरीम पे हाथ एक इधर रखते थे एक इधर रखते थे, और हम कहते थे आप बन गई हैं अब दुल्हन, और दुल्हन बोलती नहीं है। और इसको अगर हम 2 घंटे भी नहीं हिलाते थे तो ये बैठी रहती थी ऐसे, और कोई बाहर से आउटसाइडर आते थे वो कहते थे ये हरीम को क्या हुआ, तो हम कहते थे दुल्हन बनी हुई है। अच्छा, उसके लिए उसको लाइक कोई कपड़े वपड़े चेंज करने की जरूरत नहीं, सिर्फ दुपट्टा ओढ़ा, दुपट्टा दे दो और हाथ यूं रख दो। हाँ। और कहो हरीम आप दुल्हन है, और दुल्हन बोलती नहीं है, और 2 घंटे के लिए आपने जो करना है करने, हरीम को बात नहीं करेगी, डेली करना पड़ता था। और हरीम से कोई बात करता था तो हरीम अब तुम्हारा परसेप्शन चेंज हो गया, दुल्हन तो नाचती भी है, अब तो बदल गया है। और हरीम से कोई बात करता था तो हरीम कहती थी दुल्हन बनी हुई हूँ मैं, दुल्हन बोलती नहीं है। My goodness, क्या मजे के पकवान। हम सब अभी भी याद करते हैं। वाओ, वही ना मैं कहती हूँ, कुछ बच्चे ऐसी चीजें करते हैं वो आपकी आपके खानदान की मेमोरी बन जाती है, डिस्कशन होती है हर जगह। देखते हैं भाई अगली मेमोरी किसकी है। फरक ये इसकी मेरी मेमोरी है। ये बचपन में बहुत डरती थी ना, कीड़े मकोड़े कॉकरोच, इतनी इंजेक्शन किसी को लगती हो तो डॉक्टर डरती है। हाँ, तो जब ये मेडिकल कॉलेज में इसका एडमिशन हुआ, पहले 1 हफ्ते में मैं देख रही हूँ कि ये आ रही है, बस से उतरी है अपनी मेडिकल की कॉलेज की, और इसके हाथ में स्केलेटन है। मैंने कहा ये स्केलेटन, कहती है मुझे इस पे ना पढ़ना है, एनाटॉमी पढ़नी थी। हाँ। मैंने कहा चलो, ये तो थोड़ी देर में, हम लोग तो भाग गए भाई, तुम जाके अपने रूम में पढ़ो। हाँ। थोड़ी देर में आई, ये पढ़ते पढ़ते सो गई, और उसकी गोद में पड़ा हुआ था। तो पूरी रात इसके साथ ये सोया है। और फिर मैंने समझ लिया ये कर लेगी मेडिकल, जिसने इसको अपने साथ रख लिया वो मेडिकल कर लेगी। oh, फिर अपने भाई को डराने के लिए जब भी ये लाती उसके पास छोड़ देती। तो ये बड़े मजे के बात, ये लोग बहुत डरते थे हम लोग के लिए, इट्स लाइक स्टडी लॉन्ग बोन्स ओरिजिनल रियल। मतलब तुम किसके साथ सोए हो भाई, वो हड्डियों का ढांचा किसका था भाई, किसका था ये, यू नेवर नो। हां वाकई। ओके जी, नेक्स्ट ये किसकी मेमोरी? हाँ भाई, आपकी एक एरोप्लेन की कुछ याद है? हम तो नहीं है। भाई ये बच्चे सफर हम जा रहे हैं, चेक इन कर रहे हैं, तो मैंने कहा कि मुझे आप आइल सीट दे दीजिएगा और बच्चों के पास नहीं दीजिएगा।
तो ये फौरन बोल पड़ी कि यस प्लीज मेक श्योर बिकॉज किड्स यू नो दे आर वेरी नॉइजी. तो वो मुझसे कह रहे हैं काउंटर पे, कह रहे मैम आप तो खुद बच्चे के साथ ट्रैवल कर रही हैं और अभी बेटी भी कह रही है कि नहीं देखें बच्चों के पास बहुत शोर मचाते हैं बच्चे 5-6 साल की उम्र में. बट लकीली कहना चाहिए शी वॉज एन एक्सेलेंट ट्रैवलर डे वन से. 4 महीने की थी जब पहली दफा इसको मैंने जहाज पे बिठाया है, कभी तो इस बच्चे ने आवाज निकाली नहीं कहे सवाल ही नहीं पैदा होता, ना रोना ना चीखना, क्योंकि उसकी वजह होती है बच्चों के रोने की के कान बंद होने लगते हैं, बच्चा बता नहीं सकता. तो आई यूज्ड टू मेक श्योर कि भाई या तो पानी पिला रही हूँ या उस वक्त दूध दे दिया, तो कान खुला होगा बच्चे का तो नहीं रोएगा. तो कभी रोई नहीं और मैं हर दफा चेक इन पे कहती थी कि भाई मुझे देखिए बच्चों के पास नहीं दी थी, और हर दफा मुझे यही सुनने को मिलता था कि भाई आप तो खुद बच्चे के साथ ट्रैवल कर रही हैं. और मतलब अब तो ये भी कहने लगी थी हाँ एक्सेप्शनल एब्सोल्युटली एंड आई वाज लाइक वेरी लकी दैट वे माशाल्लाह. बिल्कुल नहीं रोती ये तो भाई बच्चे ना बहुत रोते हैं और मैंने तो वो नींद की दवाई भी पिला दी अपने बच्चों को. बहुत सारे मेजोरिटी को शायद नहीं पता, अब अगर कोई गौर करके मतलब सुन ले, सिर्फ बच्चे का कान बंद हो रहा है और वो नहीं बता पा रहे तो वो रोएगा. और खोलने का तरीका है खैर जो लोग चुस्ती देते हैं चुस्ती दे दें या पानी दे दें कि कांस्टेंट लाइक मेरा बच्चा तो मदर फीट पे था तो मैं तो उसको अपना फीट करती थी क्योंकि वो करेंगे तो कान नहीं बंद होगा. हाँ अगर वो पानी पी रहा है चुस्ती अगर देनी है आपको या दूध पिला ले तो वो चले. ये तो एक मेडिकल वजह होती है, दूसरा दे गेट बोर्ड लाइक अगर बहुत ही लंबी फ्लाइट हो यूएस की सो इफ यू बाय लाइक एक्टिविटीज फॉर देम और उनको हर थोड़ी देर में कुछ ना कुछ नया चाहिए होता है नया उठा कर दे दो. सो लाइक मैंने अभी ट्रैवल किया तो मैंने अमेज़न से चीजें ऑर्डर कर दी के दे आर लाइक सिंपल पाइप्स एंड ऑल दैट बट लाइक दे आर लाइक बिजी फॉर आवर्स इन इट एंड देन यू कैन एट लीस्ट लाइक सिट बैक दूसरों की यू नो नजरें नहीं परेशान. मैं अमेरिका से वापस आ रही थी तो बलाद छोटा था बहुत और हम बिजनेस क्लास में थे और मैं तो वहां पे भी नहीं आराम कर पाई उसको चुप कर आ रही हूं. दूसरी वजह जो मुझे समझ में आती थी क्योंकि बचपन से जैसे मैंने कहा ना कोई जंक वो नहीं था इनके जिंदगी में, खाना पीना बिल्कुल और टीवी बिल्कुल नहीं था, ये सिर्फ खेलती थी या किताबें या खेलना या तो फ्लाइट पे तो इनको मिल जाता था कार्टून और देखने को तो ये रोने का तो सवाल ही नहीं. मैंने तो इसके रूम में टीवी रखा और जब ये मेडिकल कर गई वो टीवी ऐसे ही मासी को दे दिया, कभी खोला ही नहीं इसने टीवी. जाहिर है मेडिकल स्टूडेंट भाई. मैं कह रही कभी इंसान को होता है थोड़ा मूड देख लिया म्यूजिक देख लिया लेकिन वो टीवी ऐसे का वैसा बंद पड़ा रहा है इसने खोला. तुम देखते हो टीवी भाई हमारे घर टीवी चलता है कि देखिए हरीम ने कैसा काम अदरवाइज देखती हूँ. मेरे घर में हर वक्त मुझे चलानी होती है सूरत रहमान तो वो जब जब मैं घर में सूरत रहमान चल रही और टीवी बंद और उस चक्कर में टीवी बंद ही हो गया उसके ऊपर से तो कपड़ा ही नहीं हटता बहुत दिनों तक मट्टी जा रही है फर्श करके देखना ये शो देख लीजिएगा और कपड़ा हटा दीजिएगा बहुत अच्छा लगता है बगैर टीवी के. ऐसा नहीं कहे हमारा क्या होगा ड्रामा का टीवी नहीं टीवी देखें मोबाइल देखिए आप स्क्रीन है आपके पास काम है करने को इतना माशाल्लाह जो हमारी जो घरेलू इसलिए देखते हैं ना कि पता चले कि क्या चल रहा है ट्रेंड कौन से आर्टिस्ट है कौन से ड्रामे थोड़ा बहुत देखना. मैं तो सी हर नए बच्चे को भी जानती हूं ये मुझे मुझे तो एक सीरियसली जो डांट पड़ी थी अल्लाह जावेद साहब को जन्नत जावेद फाजल साहब से बीबी आप तो इस कदर जज्बाती खातून हैं आप देख लिया कीजिए कि आपने कैसा काम किया. मैंने कहा आप बताइएगा ना जावेद साहब अच्छा किया था बुरा ठीक आप करवा दीजिएगा मैं नहीं देख सकती. कहने की ये एक अजीब अपने मनमानी किया करती है मैं नहीं देख सकती और बहुत सीरियसली उन्होंने मुझे अब तो ये कि मैं हर डांट को उनकी बहुत हंस के ले लेती हूं. नेक्स्ट दिखाओ चिड़िया गई दाना लाई चिड़िया गई दाना लाई. हरीम तुम्हें भी याद नहीं है आज हरीम कह रही है क्या ये याद है मगर ये बताने वाला नहीं ये कभी भूल नहीं किसी को भी ने पूछा नहीं था इजाजत नहीं गई थी. दोनों बहन भाई छोटे थे और मैं अपनी अम्मी के घर गई और वो खाला को खाला स्टोरी सुनाया
खाला स्टोरी एक सुनाई, दो सुनाई, तीन सुनाई, मेरे चाचू ये देखेंगे तो बहुत खुश होंगे। तो मैं दूर बैठी देख रही कि अब ना वो खाला तंग आना शुरू हो गया, आहिस्ता आहिस्ता थक गई, कितनी स्टोरियां बेचारी लाए। अब वो लेटी हुई, एक बच्चा इधर, बेटा हनान इधर लेटा हुआ, ये इधर लेटी हुई, और वो स्टोरियां सुनाई जा रही। जब उसके पास स्टोरियां खत्म हो गई, खाला खत्म हो गई, और अब खाला ने शुरू कर दी। एक बादशाह था, उसके पास एक चिड़िया थी, और उसने कहा कि बारिश होने वाली है, आप वहाँ से दाने अपने अंदर रख लें। तो बड़ा सारा ढेर था, तो चिड़िया गई दाना लाई, चिड़िया गई दाना लाई फिर इधर रखा, चिड़िया गई दाना लाई फिर इधर रखा, चिड़िया गई दाना लाई। अब वो सोए भी जा रही है और साथ साथ दाना दाना किए भी जा रहे हैं और ये स्टोरी सुन रहे हैं। उसके बाद ये उठी, उसने लगाया उसको एक थप्पड़, उसने कहा खाला आप तो पूरी की पूरी कुंजेन है, पूरी की पूरी कुंजेन है, क्या है दाना ही लाई जा रही चिड़िया, चिड़िया तो कुंजन है ही, आप भी कुंजन है, दाना ही लाई जा रही। कितनी छोटी थी? 5 साल। अल्लाह, अरे मैंने 5 साल में बहुत कारनामे किए हैं। बहुत कहा कुछ और तो शुक्र है वो नहीं बोला। क्योंकि उनको ये बात पता है, वो आज तक इस बात पे मुझे बहुत तंग करते हैं। जब हम सब बैठे होते हैं, हरीम आपने अपनी खाला को क्या कहा था? खाला वाली स्टोरी सुनाओ हरीम, वो आज तक मुझे। और चाचू देख रहे होंगे इस वक्त, तो वो एंजॉय कर रहे होंगे। टिंट टिंट वाली बात कही थी जो हम टीवी पे नहीं चला, बोलते थे मैं पीछे से टीवी पे। अगला क्या है भाई? ये मेरी मेमोरी है। ये क्या है भाई, रेसलिंग से क्या मेमोरी है? ढांचे से आपकी मेमोरी, रेसलिंग से बचपन में हम करे, छोटा बेटा था ना, उसको बहुत रेसलिंग चलती थी, बहुत शौक था। अच्छा। वो अपने को बड़ा बॉडी बिल्डर समझता था, WWE। अच्छा, तो ये रेफरी बनती थी, बड़ा भाई और छोटा भाई दोनों रेसलिंग करते थे। तो ये उसको तंग करने के लिए इतनी बदमाश कि जानबूझ के आता था 1-2, वो जब उसके ऊपर करता तो 1-2, तो रेफरी को 1-2-3 करना होता है, राइट? इट्स लाइक 1 सेकंड के गैप में, पर मैं, मेरा 1 सेकंड जो है वो 10 सेकंड तक होता था, जब तक उसको अच्छा खासा मार, उसको हराती थी छोटे को, और वो जो रोता था उसको इतना रुलाया इसने। अब मुझे बहुत दुख होता है, दैट टाइम इट वाज फन। ये बड़ी जबरदस्त मेमोरी, अब भी कहते हैं या रेसलिंग करोगे? वो बात अम्मी कहती छोटे, वो है बॉडी बिल्डर है, माशाल्लाह है, अब माशाल्लाह छोटा था, 6-7 साल का, ही इज लाइक 5'11", 5'12", लाइक अ बॉडी बिल्डर। वो जो बचपन का वो आया था ना जोश, तो अब उसने पूरा कर लिया। तो मुझे भी बहुत शौक है, मैं भी बहुत शौक से देखती हूँ, और जो लेडीज रेसलिंग होती है, लेडीज रेसलिंग बहुत शौक से देखती थी, मेरे अब्बा देखते थे और वो एंजॉय करते थे, मैं तो बहुत एंजॉय करती हूँ। हम लोग तो शादी परेशान हो रही है क्या, हमने तो शादी के बाद मेरे मियाँ जाते थे, कोई मिस हो जाता था इवेंट, तो वो लेके आते थे, सीडी लेके आते थे, और हम मतलब एक होता है ना, एक मोटिवेशन मिलती है कि किसी को मार नहीं सकते, तो इनको देख के मार नहीं सकते, चलो खाके पटकना। ओह माय गॉड, पहली दफा मुझे शौक पता चल रहा है, मुझे हमें रेसलिंग देखने का शौक है। हाय, दिस इज HSY। इफ यू लाइक व्हाट यू सी एंड वांट टू सी अ लॉट मोर, यू नीड टू सब्सक्राइब टू द एयरवाइज डिजिटल YouTube चैनल।